सोनीपत वर्सेस झज्जर क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पहले रेड पे राकेश नरवाल पॉइंट का दावा किया और पहले ही रेड पे पॉइंट मिला सोनीपत की टीम को। अब रेड पे चला सचिन, तमिल खिलाड़ीबाज का रेडर सचिन। जंप का प्रयास लेकिन संदीप नरवाल ने बेहतरीन टैकल किया। दोनों ही टीमों में बेहतरीन खिलाड़ी। सोनीपत की तरफ बात की जाए तो संदीप नरवाल, राकेश नरवाल, रिंकू नरवाल, भिवानी टीम के कोच एक बार ऑफिशियल टेबल पर आइए। राइट कॉर्नर पे है संदीप नरवाल। झज्जर और सोनीपत के मध्य ये मैच चलता हुआ। इस मैच के बाद पहला सेमीफाइनल मैच होगा पानीपत वर्सेस महेंद्रगढ़ के बीच में। दोनों टीमें अपने आप को तैयार कर ले। पानीपत वर्सेस महेंद्रगढ़ पुरुष वर्ग का पहला सेमीफाइनल मैच। और महिला वर्ग की दोनों टीमों को आप लाइन अप कर ले। मेरा ऑफिशियल से अनुरोध है, दोनों टीमें मैदान पर पहुंच चुकी हैं और इस मैच में इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। जितने भी हमारे सिंगर हैं, मैडम हैं, मंच पर विराजमान हैं, उनके साथ हमारे महासचिव श्री कुलदीप दलाल जी भी रहेंगे। दोनों टीमों को लाइन अप कर ले। महिला मैदान पर जो टीमें हैं, दोनों टीमों को लाइन अप कर ले। आप आइए सर। जज्जर की टीम में लेफ्ट कॉर्नर पे है सुरेंद्र नाडा, एक बेहतरीन स्टार खिलाड़ी। मंच पर विराजमान है हमारे सिंगर, जो पर्सनैलिटी है हमारे भारतवर्ष की, वो साथ में रहेंगे। हमारे महासचिव श्री कुलदीप दलाल जी साथ में रहेंगे और महिला खिलाड़ियों के साथ करेंगे। संदीप नरवाल का बेहतरीन टाई। रेड पे है सुरेंद्र नाडा। अब चला सुरेंद्र नाडा। डिफेंस के साथ कई बार जब ऑफेंस की जरूरत पड़ती है, ये करियर भी बखूबी निभाता है। बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है सुरेंद्र नाडा। और एक तरफ संदीप नरवाल, अर्जुन अवार्डी खिलाड़ी 10 नंबर की जर्सी में जिला सोनीपत का हिस्सा बनकर के खिलाड़ी खेल रहा है। सुपर टैकल, लेकिन रेफरी का फैसला देखना होगा क्या करता हूँ। श्री मंटू ठेकेदार खेड़ी आसरा, कृपा एक बार मंच पर आ जाएं। शहरी जिला प्रधान जेजेबी मंटू ठेकेदार जी खेड़ी आसरा, कृपा मंच पर आ जाएं। वन टू रेडर, आ जाओ सर जी, आ जाओ। अब रेड पे है संदीप नरवाल। भिवानी टीम के लिए अंतिम पुकार है, भिवानी कोच के लिए सॉरी। आपको ऑफिशियल टेबल पर बुलाया जा रहा है, आप आइए। भिवानी
हमारे मध्य श्री मंटू ठेकेदार खेड़ी आसरा जिला प्रधान जेजेपी पहुंचे हैं। मैंने उनका पुनः यहां पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। संदीप नरवाल दर्शकों में जोश। जबरदस्त मुकाबला सोनीपत वर्सेस झज्जर के मध्य है। बिल्कुल का मुकाबला चलता हुआ बहुत ही शानदार मुकाबला झज्जर वर्सेस सोनीपत के मध्य चलता हुआ बेहतरीन हाई होल्ड। डू और डाई सोनीपत की तरफ से और ये डू एंड डाई थर्ड रेड आर पार की स्थिति में लेना झज्जर के पाले में डू एंड डाई बहुत ही कड़ा मुकाबला चलता हुआ इस गांव के खेल परिसर में और ये रेडर आउट बेहतरीन चैन टैकल ऐसे मुकाबले कभी कभी फिर से रेड पे सचिन पबजी काटेगा मुकाबला सोनीपत वर्सेस झज्जर बहुत ही रोमांचक मुकाबला इस गांव के खेल प्रांगण में अब रेड पे संदीप नरवाल और ये टैकल कर लिए गए संदीप नरवाल तीन सभी खिलाड़ी जो महिला वर्ग का मैच चल रहा है सीआईएसएफ में कार्यरत है। जिस सीआईएसएफ की टीम ने ऑल इंडिया पुलिस के अंदर स्वर्ण पदक हासिल किया उसमें कुमारी रितु कुमारी अंतिम और कुमारी के अंदर कार्यरत है स्वर्ण पदक विजेता रही बेटी ऑल इंडिया पुलिस के अंदर जबरदस्त मुकाबला दर्शकों के मध्य पुरुषों का यह मुकाबला झज्जर वर्सेस सोनीपत काटे का मुकाबला मेजबान झज्जर एंकल होल्ड ऑल आउट होने की कगार पे सोनीपत की टीम सोनीपत ऑल आउट और ये लोना अब रेड पे राकेश नरवाल सोनीपत टीम को ये लोना लगा पहला लोना झज्जर और ये रेडर ने एक अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए बोनस प्लस टू पॉइंट्स सुपर रेड लगा दी है सुपर रेड के बाद चला है राकेश नरवाल और मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा मैच का स्कोर इस प्रकार है 14-8 इन फेवर ऑफ झज्जर जबरदस्त मुकाबला हमारे बीच में श्री के
एजुकेशन और फोर जिला पार्षद के साथी आते हैं नौके या पहुंचने पर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। श्री केशव और फोर जिला पार्षद उनके साथियों से इस यहाँ पहुंचे इस आयोजन में। मैं उनका यहाँ पहुंचने पर इस गांव की तरफ से इस आयोजन समिति की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। सचिन बहुत ही स्पीड का राइडर पहुंचने पर हर जगह की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। श्री कृष्ण और जिला पार्षद दो नंबर की जर्सी में यह खिलाड़ी इस सीजन पुनेरी पल्टन में खेलता हुआ नजर आएगा। खिलाड़ी बहस ना करे। से 1 पॉइंट श्री बाबूलाल एस एच ओ बादली बोनस का प्रयास रामकृष्ण। मैं श्री बाबूलाल एस एच ओ बादली यहाँ पहुँचने पर उनका बैक होल्ड कर दिया गया रामकृष्ण अग्रवाल का। बोनस टू रेडर और रेडर सोनीपत के मका ये पुरुषों का मुकाबला चलता हुआ। लगातार पदक बनाए हुए जिला दर्जन टीम के खिलाड़ी उसको बोनस टू रेडर संदीप नरवाल रिंकू नरवाल लेफ्ट और राइट कॉर्नर पे नवीन गुलिया प्रधान जी हमारे मध्य पहुंच चुके हैं। मैं स्वागत कमेटी से प्रार्थना करूंगा कि वह मुख्य द्वार पर पहुंच जाए। टीम कोच आपको बोला गया ऑफिशियल टेबल पर आइए आप।
जो मेन टीम का कोच वो आ जाए, मेन टीम का कोच संदीप नरवाल का सुपर टैकल गैस कर दिया गया सचिन पब्जी को। अब रेड पे राकेश नरवाल, हाफ टाइम स्कोर 14-20 इन फेवर ऑफ झज्जर। और ये चला नितिन, हमारे मध्य श्री नवीन ठेकेदार जी और श्री बाबूलाल एस एस ए बाबू अभिनंदन स्वागत करता हूं। श्री नवीन ठेकेदार जी और उनके साथ है श्री बाबूलाल एस एस ओ बादली। टू पॉइंट्स टू रेड आउट। मैदान नंबर दो पर मैच चल रहे हैं झज्जर वर्सेस हिसार। हाफ टाइम हो चुका है, हाफ टाइम स्कोर 24-16 चरखी दादरी के पक्ष में। और पानी की एक बार व्यवस्था करा दे पीने के लिए ऑफिसर के लिए मैदान नंबर दो पर, जो पानी का कार्य कर रहे हैं पिलाने का, मैदान नंबर दो पर भी आप पानी भिजवा दें। टू एंड डाइन टर्न, आप पार की स्थिति में मेजबान जजर लगातार बड़ा बनाए हुए इसमें पर अपनी पकड़ साबित किए हुए झज्जर वर्सेस सोनीपत बहुत ही जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ। ये चला नितिन, बढ़िया तो भाई मार दिया बोनस तो वो चौबीस अठारह
जबरदस्त मुकाबला चलता हुआ मेजबान जज्जा लगातार अपनी पकड़ बनाए हुए इस मैच पर। संदीप नरवाल रेड पे बोनस टू रेडर सुरेंद्र नाडा को टैकल कर लिया गया पर शूट का प्रयास किया था सुरेंद्र ने पॉइंट आ गया जबरदस्त मुकाबला इस संदीप संदीप नरवाल ने पूरे डिफेंस में हिला दिया पॉइंट टू संदीप नरवाल लगातार पॉइंट स्कोर करते हुए संदीप नरवाल इतना रट्टा स्पीड है यार पावर और ये चला नितिन चार नंबर की चर्ची का खिलाड़ी नितिन संदीप नरवाल फिर से रेड पे और ये संदीप के पाले में जबरदस्त मैच चलता हुआ और ये चला नितिन जज्जर टीम का खिलाड़ी नितिन बहुत ही जबरदस्त मुकाबला भाई बहस ना करें 1.2 रेडर कितना जबरदस्त मुकाबला रेड राउट तेल गुण रेड पबजी भी ठीक मारे ऐसे स्पीड जिसमें स्पीड है ना वो कामयाब है स्पीड जंप पवन भी इतना बात जाए वो कॉर्नर के ऊपर गए और आते दिखो ना खड़े ऊपर कर दिया उसे ऑटोमेटिक संदीप नरवाल सुपर रेड लगा 2 पॉइंट रेड लगा दिया संदीप नरवाल ने ये खिलाड़ी पैस ना करें ऑफिशियल साइडलाइन का प्लस किसी के लिए दे अंक दबाव ना बनाए दो अंक जीत गए सोनीपत 26-27 का स्कोर इन फेवर ऑफ जज्जर इन फेवर ऑफ जज्जर
सभी पांच वर्षीय झज्जर की मध्य चलता हुआ मैच ये बहुत ही उम्दा प्रदर्शन अंतिम पांच मिनट की घोषणा हो चुकी है रफी साहब द्वारा इस मैच के अंतिम पांच मिनट शेष 27-23 इन फेवर ऑफ झज्जर और ये फिर चला संदीप अंतिम चार मिनट की घोषणा इस मैच की हमारे मध्य त्रिपुरी पहुंच चुके हैं। हम उनका यहाँ पहुंचने पर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं श्री प्रवीण लंबा। अभी तक मैच झज्जर की पकड़ में। हाँ सर, श्री प्रवीण जी का मान सम्मान करते हुए पगड़ी से पगड़ी का मान सम्मान बहुत ही बड़ा मान सम्मान बहुत बढ़िया। और ये मनीष की लगातार पांच विकेट है जिस मैच में ऑल आउट हुई सोनीपत। इसका स्कोर झज्जर के पक्ष में और बोनस प्लस पॉइंट मैच बिल्कुल समाप्त हो गया। पानीपत और महेंद्रगढ़ ये मैदान के नजदीक रहे, ये मैच बिल्कुल समाप्त की ओर है। पानीपत महेंद्रगढ़ पहला सेमीफाइनल मैच होगा, मैदान के नजदीक रहे दोनों टीम। अंतिम मिनट की घोषणा रेफरी के द्वारा हो चुकी है इस मैच में। ये हमारे अतिथिगण साहिबान हमारे मध्य चलते हैं। स्टेज पर व्यवस्था बनाने के लिए प्रार्थना करूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जी हमारे मध्य पहुंच गए हैं। कृपया स्टेज पर व्यवस्था बना रहे हैं, किसी को कुछ कहने की आवश्यकता मिनट अपने आप ही थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लीजिए। और ये मैच समाप्त हो गया। सेमीफाइनल में पहुंची झज्जर।